और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नेटवर्क ठप है। आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क ठप, रायपुर बलौदाबाजार बिलासपुर में नेटवर्क नहीं चल रहा। नेटवर्क ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर बलौदाबाजार बिलासपुर में नेटवर्क डाउन है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद हसन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ के हसन, क्या जानकारी मिल रही है? कई इलाकों में नेटवर्क ठप है, कौन कौन से ऐसे नेटवर्क हैं जिनसे जिनकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो सिम है उसके नेटवर्क में यहाँ पर बीते एक घंटे से जो है किसी तरीके का कोई टेक्निकल एरर की वजह से जो है यहाँ पर इशू बताया जा रहा है। अगर बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट की जो सर्विस है वो लोगों तक पहुँच पा रही है, लेकिन जो कॉलिंग की सेवा है, चाहे आउटगोइंग की बात करें या इनकमिंग की बात करें, दोनों ही सेवाएं जो है वो बंद हो चुकी है वोडाफोन आइडिया की, जिस वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि इस पर आइडिया वोडाफोन आइडिया का किसी भी तरह का कोई ट्वीट या कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि क्या टेक्निकल इशू की वजह से जो है ये सेवाएं बंद हो गई है। हालांकि सूत्रों का भी कहना है कि किसी टेक्निकल इशू के ही चलते जो है कॉलिंग, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पूर्ण रूप से जो है बंद है, और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में ये समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि कंपनी एक से दो घंटे के भीतर जो इस इशू को जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। फिलहाल इंटरनेट सेवा जारी है, लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की सेवा जो है वो बंद है। तो बिल्कुल, आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क जो है वो ठप है। कंपनी कह रही है कि एक दो घंटे में हम ठीक कर लेंगे जो नेटवर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नेटवर्क ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नेटवर्क ठप है। आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क ठप है, इनकमिंग आउटगोइंग लोगों की नहीं हो रही। रायपुर बलौदाबाजार बिलासपुर में नेटवर्क जो है वो नहीं चल रहा, और नेटवर्क ठप होने से अच्छी खासी परेशानियां अब लोगों को हो रही है। हालांकि कंपनी ये दावा कर रही है कि एक दो घंटे में हम नेटवर्क को ठीक कर लेंगे और लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो नेटवर्क ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम इलाके हैं बिलासपुर बलौदाबाजार के जहां पर इस तरह से लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। देश भर में आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क ठप माना जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके इसके जद में हैं। नेटवर्क ठप होने से लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क ठप है। इस वक्त की खबर आपको बता दें रायपुर से, जहाँ पर कंपनी ये दावा कर रही है कि एक दो घंटे के बाद हम ठीक कर लेंगे, अपनी जो समस्या आ रही है उसे दूर कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नेटवर्क ठप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क ठप है। लोगों को जो असुविधाएं हो रही होंगी, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स नहीं लग रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि भोपाल इंदौर समेत कई शहरों में नेटवर्क ठप है, और कंपनी ये दावा कर रही है, कह रही है कि एक दो घंटे में हम नेटवर्क को ठीक कर लेंगे।